वेलकम टू लाइफ एट टीचिंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुकुंद दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और ये जो वीडियो है वो 100% सही है और आपको पूरा वादा करता हूं कि कट ऑफ जो है इतनी ही जानी है। जी हां दोस्तों, जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी और मैं पूरा एनालिसिस 2 दिन के एनालिसिस के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंटों को कोई भी फेक न्यूज़ मिले। मैं पूरा एक अच्छी जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आप हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही हो। तो देखिए, अगर आपकी इतनी कट ऑफ जो इतनी बन रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ आपके इतने नंबर बन रहे हैं, और अपने जोन के जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 2 करोड़ फॉर्म को जो इन्हें भरा गया था, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। तो आप लोगों को ये पता तो होगा कि क्योंकि अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम इसको कहा जा सकता है अब तक के इतिहास का। 2 करोड़ लोग थे इसके अंदर, लेकिन जो अटेंडेंस आई वो सिर्फ 60% आई। यहाँ पता चल गया कि लोगों ने फॉर्म जो है ऐसे ही भर दिया था, ठीक है। तो सिर्फ 60% अटेंडेंस आई थी, एनडीटीवी ने बताया था, ऑफिशियल न्यूज़ भी है ये, जिसके कारण आधे लोग फॉर्म ही पेपर देने ही नहीं आए, फॉर्म भरने के बाद पेपर ही नहीं देने आए, ठीक है। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था, ये आप लोगों को खुद पता होगा अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, और आपने ऑफिशियली दिया होगा तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, पेपर काफ़ी हार्ड आया था, लोग कन्फ्यूज हो गए, यार कैसा ऐसा पेपर आया, हमने तैयारी ऐसी की लेकिन पेपर ऐसा हाई क्यों आ गया, क्योंकि लोगों ने तैयारी रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से की थी, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा ग्रुप डी का हार्ड ही आता है, ईजी आता है, ठीक है। लेकिन इस बार हार्ड आ गया और सारे शिफ्ट का ही हार्ड आया था, ऐसा नहीं कि एक दो हार्ड है, बाकी सारे ही हार्ड आया था, तो लोग थोड़े कन्फ्यूज हो गए। अब चलिए बात करते हैं कट के बारे में। तो आपको पूरी मैंने बता दी कट ऑफ क्यों हाई जाएगी या कम जाएगी, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, ये तो पक्का है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने शुरू में ही। चलिए अब कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी और कहाँ कहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। बाकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने कैटेगरी की, किस कैटेगरी की, ठीक है। जनरल ओबीसी की और एससी की और एसटी की बारे में बताना चाहूँ, ठीक है। जनरल की बात करें तो 55 से 58 कट ऑफ जाने वाली है, ओबीसी की 50 से 52 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, ज़्यादा कोई गैप नहीं है। और एससी के जो है वो 43 से 44 के बीच में रहेगी, मानी 40 से 44 के बीच कह सकते हैं। एसटी की बात करें तो 38 से 40 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। यानी कि जनरल कट ऑफ जो है वो 55 जाएगी, और वे भी इससे कम हो सकता है, ठीक है, मे भी इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये मैं पूरा पक्का गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया ना, तो मैं समझ लूँगा हाँ मेरी मेहनत काम आई है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, क्योंकि ना यार मेरे को मिलता है मोटिवेशनल कि हाँ मेरे को और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं और आरबी ग्रुप डी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अगर पसंद आएगा वीडियो। देखिए, अब बात कर लेते हैं, पेपर काफ़ी हार्ड पेपर आया था। देखिए, पेपर तो हार्ड आया था, इसीलिए पेपर का जो कट ऑफ है वो भी बहुत ही कम जाने वाला है। आपने अभी तक देख लिया होगा कि इतने हाई जो कट ऑफ जाने वाले थे, लेकिन आजकल बहुत ही कम कट ऑफ जा रहे हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की, आपको पता चल गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आप देखिए, जोन वाइज जो कट ऑफ है वो, अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ यानी कि अजमेर की और अलग अलग जगह की जो कट ऑफ है, जैसे भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया, इन सब कट ऑफ, इनके बारे में आपको जोन वाइज जो कट ऑफ है आपको डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। आप कमेंट कर लीजिए अपने जोन के और अपने जो आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने अटेंड किए हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपको डेली शाम को 7 बजे एक रेलवे ग्रुप डी का वीडियो मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपको बाय बाय, शुभ बख़ैर।